प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित है ना संत समाज सुरक्षित है। और जिस तरह से छूटते ही ये साबित करने की कोशिश करी जाने लगी कि ये आत्महत्या है, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस वही पुलिस है जो लगातार हाथरस में ये बार बार कहती थी कि रेप हुआ ही नहीं है। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आज भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं जिन्होंने कहा था रेप हुआ नहीं, और सीबीआई की चार्जशीट में है कि रेप हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस तरह से यह साबित करने की कोशिश शुरू से की जाने लगी कि यह आत्महत्या है, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। मुझे लगता है कि इसकी मांग पहले भी हुई है, हमने लखनऊ में भी करी है, इस मंच से भी करेंगे, कि एक हाईकोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इस पे होनी चाहिए सिटिंग जज की तत्वावधान में। ये बहुत बड़ा मामला है, ये मामला सिर्फ एक संत का नहीं है, ये पूरे संत समाज की सुरक्षा का मामला है। आखिर कौन लोग ऐसे थे जिनके हाथों ये हुआ या नहीं हुआ, ये मामला पुलिस पहले से साबित करने पे क्यों तुली हुई है। आप तो पंखे की बात कर रहे हैं, उनके अनुयायियों ने तो ये भी कहा कि वो लिखते पढ़ते नहीं थे, और 13 पन्ने का सुसाइड नोट लिखना बड़ा विचित्र बात है, और वो भी ऐसा नोट जिसमें तारीखें बार बार बदली गई, कभी 13 सितंबर से 20 सितंबर हुआ, बार बार चेंज हुआ। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी गुत्थी है, लेकिन इसको सुलझाने के बजाय जो प्रशासन की ओर से इसको आत्महत्या का रंग देने की कोशिश पहले दिन से और पहले क्षण से की जाने लगी, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। What has been ordered, sorry? I am glad a CBI probe has been ordered, but the CBI has reduced itself to a mere frontal of the BJP. It goes to election going states, it lands at the doorstep of opponents, it lands at the doorstep of governments which the BJP wants to manipulate and compromise. So the problem with the CBI is it has lost all its credibility. The problem in UP is that the UP police has no idea about what the rules are, and Hathras has proven that, and which is why we believe there should be a judicial probe into this.